और ये चौका। भाई 3 महीने हो गए अपनी एकेडमी में गए, अब आज फाइनली जा रहा हूँ तो दिखाता हूँ आप सबको मेरी एकेडमी। ठीक है भाई, तब तक आप भी बने रहे, हम भी बने रहते हैं, रोड पे चलते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई अपने गांव के बाहर पूरा नक्शा चेंज हो गया। आज तक 2 साल पहला इसे रोड नहीं थे, फ्लाईओवर आ गया। ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो आप, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जो सीधा मानेसर निकलेगा अपना। और भाई मानेसर अभी जाने में हमारे यहाँ से गांव से कम 40 मिनट लग जाते थे टोल पे। और अब ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे आया है इसकी वजह से हम मानेसर पहुँच जाएंगे भाई 15 मिनट में, कई घंटे बच जाएंगे। जयपुर जाने का रास्ता आसान हो जाएगा, 2.5 घंटे में आप जयपुर पहुंच जाओगे। और ये भाई कन्वेंशन सेंटर बन रहा है अपने गांव के बाहर ही, मतलब टोटली नक्शा चेंज हो गया, रोड गजब आ गए, कन्वेंशन सेंटर आ गया, मतलब एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये। और 1 साल के अंदर मेरी ख्याल से पूरा तैयार होकर स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा रोड के नक्शे चेंज कर दिए भाई, गजब बना दिया, एक नंबर जगह बना दी, गांव की लोकेशन भी एक नंबर होगी। तो मोह जाओगी गांव वाले की सबकी, यहाँ पे भी किराए का साधन हो जाएगा। ये देखो भाई किसे रोड बना दिए, गजब बना दिया, बहुत तगड़ा एक्सप्रेसवे है। 1 साल के अंदर पूरा डेवलप हो जाएगा ये एरिया। तो भाई अपनी एकेडमी पहुंच चुके हैं हम, अब तैयारी शुरू करते हैं, अपनी जूते वूते पहन के अपनी हम भी फिट हो जाए थोड़ा सा। आप देख सकते हो एकेडमी, हमें भी ड्रेस कोड में आना पड़ता है एकेडमी में, क्या करें, चप्पलों में रह नहीं सकते हैं। रेडी हो गए हैं, चलते हैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। गए हैं अपनी एकेडमी, देख सकते हो आप मैच चल रहा है अपनी एकेडमी के बच्चों का। आप सबसे मिलवाता हूँ अपनी एकेडमी के कोच से, वो बैठे सामने सन्नी सर। और ये चौका। और सनी सर क्या हाल चाल है? वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है उसमें? वीडियो का टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा फ्री हो गए, क्या हाल है सर? कैसे हैं? ठीक हो? बढ़िया सर, आप बताइए। हमारे सर को कॉन्ग्रेचुलेशन, तो पहले करते थे सब, तो कल तैयारी में लगे हुए हैं, फ्लाइट है पता नहीं इधर मेरे को भी, मैं पता नहीं। तो भाई ये मैच चल रहा है अपनी एकेडमी का, बच्चे खेल रहे हैं अपना कड़ी धूप के अंदर, सब मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे सन्नी सर कोच है, कोच साहब, हेड कोच साहब, DDCA दिल्ली, सीनियर टीम के मैनेजर नियुक्त किए गए हैं अभी DDCA के द्वारा। कल इनकी फ्लाइट है तमिलनाडु की कोयम्बतूर, तो टूर्नामेंट के लिए भी भाई बेस्ट ऑफ लक आपको, पूरी टीम को है। और कैसी खुशी हो रही है तेरे को? खुशी क्या, टेंशन ज्यादा है, खुशी नहीं है, टेंशन क्या है? कोयम्बतूर में जिससे जिससे टच में रहना है उसको हिंदी नहीं आती और मेरे को ठीक से इंग्लिश नहीं आती, इससे बड़ी परेशानी क्या होगी? और कोई ना, टीम में काफी स्टाफ है उसके साथ, ट्रांसलेटर बना लियो किसी को, मैनेज तो हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, बस आपकी मेहरबानी। पूरी टीम से बात होगी? पूरी टीम से मेरी बात होगी, सब रेडी है। बस अभी मेरे को टर्मिनल जानना है कौन सा है मेरा टर्मिनल, वो यार उसमें मैंने देखा था फ्लाइट की, उसमें ना टर्मिनल लिखा ही नहीं हुआ उसको कौन सा टर्मिनल, अभी मेरे ख्याल से T2 ही होगा ज्यादा, या T3 होगा, डोमेस्टिक का नहीं, T2 भी होता है, इंडिगो T2, अभी उस पर मेल इंडिगो है ना, तो T3 या T2 में से ही होगा, और तो ज्यादा कुछ होगा। अगर मंगाना तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ज्यादा, हां T1 इंटरनेशनल, और ये T2 T3 अगर बगल है ना, अगल बगल ही है ज्यादा, मतलब है तो दूर, रास्ता दूसरा है पर पास में ही है। तो हमने छोटे बच्चे आ चुके हैं अंडर 12 के सारे, अभी रनिंग की थी इन्होंने फील्ड पे, अभी कैचिंग कर रहे हैं आपस में। अपन
हमारे हेड कोच सनी सर विकेट का जायजा लेते हुए। अपनी सेंटर विकेट है, उधर अपने नेट्स लगे हुए, अभी तो हालत थोड़ी ख़राब है नेट्स की, चेंज कराना है अभी। तो भाई मैच चल रहा है अपने छोटे बच्चों का, टेस्ट मैच करा दिया था ये, तो थोड़ा बच्चों को भी इससे क्या उत्साह मिलता है। और ये मिस फील्डिंग और 4 रन मिलेंगे। तो भाई बच्चों का मैच चल रहा है और अपना देख रहे हम भी साइड से लेग अंपायरिंग के तौर पे, और हमारे सर हेड कोच जी उधर लगे हुए बिजी है कल के मैच के लिए। और ये वाइट बॉल भाई, बिल्ली ने बच्चे दे दिए, दो बच्चे थे वो छुप रहे चेयर के वहाँ। भाई ये भी गजब कर दिया, दो बच्चे, दो ही बच्चे हैं ये। भाई बिल्ली ने हमारे रूम में बच्चे दे दिए, ये कब दिए थे सन्नी सर? 20 दिन पहले बच्चे दिए हैं भाई, ये तो शुभ काम हो गया है। ये बुला रही है बार बार और इसके बाहर आते ही वो भाग जाते पीछे, ये देख ये एक तो निकल गया, वो आ रहा है, दोनों डर रहे भाई। ये बिल्ली बार बार बुला रही है इनको, बिल्ली बार बार बुला रही है और वो देख उसके पास जा रहे हैं और फिर वो पीछे हो जा भाई, इतने सारे ने देख कर डरा ये। अरे आ जाओ भाई, क्यों वो कर रहे हो, बार बार जा रही है भाई अपने बच्चों को लेने, ये देखा फिर गई, आ जाओ वो फिर अंदर भग गया, डरपोक है पूरा, मडरन लग रहे हैं ये, आ जा आ जा आ जा, वो एक भग गया पीछे, अब ये जाएगी नहीं जब तक वो भी ना आ जाए। अरे तेरा एक बच्चा रह गया, किज्जा है वो टीम का, वो लेटर का है, आ जा सारे 8 करता वाला नहीं करता, पकड़ रहा पकड़ रहा, छोड़ दे मन्ना इन्हें, दिखाई होंगे ना पकड़ रहा पकड़ रहा, देख इसका देख मुंह, दे पकड़ रहा इतना सा आत्मा आ गया पूरा, देख वहां का एलो एलो का फोन आया था, वो भी मांग रहा है, वीडियो में बड़ा दिखता होगा ये, है ना, एक बार वो सांप ही तो बोलता है, छोटा पैर भेज दो, वो उसका तो मांगने का बनता ही नहीं कुछ। हां इसका क्या नाम रखा है भाई, क्या नाम रखोगे इसका छोटे से का, होटल के खिलाफ ही आएगा ये, देख कूदेगा ये, ओपन जे तगड़े हो, बैटिंग चल रही है क्या, हमारे मैनेजर साहब खेल रहे हैं,
अरे मैनेजर साहब क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार, हैं? कितने रन हो गए यार? 15-20 यार ये क्यों मारते हो ऐसे, क्यों मारते हो हैं? बच्चे को इतनी दूर भगा रहे हो बेकार में रात के अंदर। 9th century है उसकी। अच्छा कहाँ पर? लोकल क्रिकेट में 9 सेंचुरी मार चुका है वो और 6000 रन। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है वेदांत सागर। सिद्धांत वेदांत 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 सागर। क्या बात है, क्या बड़ा अच्छा ग्राउंड बना रखा है यार आपने। अच्छा लग रहा है आपको ग्राउंड? काफी अच्छा लग रहा है। नेट चेंज करवाने पड़ेंगे इसके, है ना? नेट की हालत ठीक कराओ, प्लेयर आएंगे बढ़िया प्रैक्टिस करने, नहीं तो भाई। दोस्तों मैच खत्म हो गया, लाइट्स ऑफ हो गई है, ग्राउंड बंद हो गया है, सारे बच्चे टीमें चली गई है, अभी अपने हेड कोच अंदर है, बस पैकअप की तैयारी, बच्चे चार हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड पे, और बस चल रहे हैं। अब हम भी तैयारी कर रहे हैं घर पे जाने की। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।